घास फूस की झोपड़ी, कच्चा है मेरा मकान, खाम्बी में रहता हूँ, नेमसिंग मेरा नाम। आज की महफिल में आए मेरे सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। पहली शायरी मम्मी पापा के लिए है कि मांगते हो अगर खुदा की बजाय माँ बाप से तो पूरी आपकी हर मन्नत होती है, हर क्षेत्र में ऊंची से ऊंची, अच्छी से अच्छी उन्नत होती है। अगर जन्नत में जाना हो तो माँ बाप के पैर छू लेना, अगर जन्नत में जाना हो तो माँ बाप के पैर छू लेना, मैंने सुना है माँ बाप के पैर में जन्नत होती है। इसे आप सभी शायर भाइयों के लिए, मोस्टली अनकह जज्बात फैमिली के लिए है कि जिन पेड़ों की टहनियां तक सूख गई हों उन पर पंछी बसर क्या करेंगे, कि जिन पेड़ों की टहनियां तक सूख गई हों उन पर पंछी बसर क्या करेंगे। तुझे जाना है तो जा मेरी जान, हम एक और घूंट सबर का भरेंगे। हम तो महज अपना दिल हल्का करने के लिए लिखते हैं, कि हम तो सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए लिखते हैं, वरना जिन पर आंसुओं का असर नहीं हुआ उन पर ये कहे जज्बात क्या असर करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिस्म से प्यार करते हैं। अगर दो जोड़ियों के बीच लड़ाई होती है तो मसला किसी ना किसी बात के बवाल का होता है। ये बाबू सोना वाला प्यार सिर्फ एक या दो साल का होता है। ख्वाहिश अगर जिस्म की ना हो, कि ख्वाहिश अगर जिस्म की ना हो तो ऑनलाइन वाला प्यार भी कमाल का होता है। जो लोग आज तक अपना कह रहे हैं ना, कल वे मजाक बनावेंगे तेरी खुशी का। कि जो लोग आज तक अपना कह रहे हैं कल वे मजाक बनावेंगे तेरी खुशी का, आज के लोग अपने दुख ते दुखी नहीं, उन्हें दुख है दूसरों की हंसी का। और शक नहीं, पूरा यकीन है मेरे भाई, यो मतलब की दुनिया है, अड़े कोई नहीं है किसी का। ये भाई ट्रेंडिंग में चली थी तो अब लिखी है। मैं दोस्त गैल उसके घर जा रहा था, मैंने देख वह बडगी घर के भीतर, अपनी छोटी बेबे ते न्यू बोली, इन्हें देख अड़े मेरे उड़ गए तितर। और जो ही यार उससे मिलन उसके कमरे की उड़ चाल लिया, मर जानी दोस्त का निशारा करके बोली रोक दे मित्तरे। तो ये भाई उनके लिए है जिनकी कास्ट। हमारे बीच इतनी दूरियां और ये जुदाई ना होती अगर हमारी कभी मुलाकात ना होती, हर रात सुहानी और चांदनी के साथ होती अगर बीच में अमावस्या की काली रात ना होती। हम दोनों भी हमेशा के लिए एक हो सकते थे, कि हम दोनों भी हमेशा के लिए एक हो सकते थे अगर अलग अलग हमारी जात ना होती। तो ये फौजी भाइयों के लिए है, मोस्टली ये एक जवाब है उन लड़कियों के लिए जो गांव के लड़कों को पसंद नहीं करती, पागल आवारा कहती हैं, कि गम्मा के छोरे वे से रहें जिन्हें नजदीक ते देखना बिल्कुल बैन है। मारे घर का मुखिया बापू और गांव का मुखिया सरपंची मैन है। और जिन गम्मा के बालका ने तू पागल बतावे है ना मैडम, वे मारे हैं 1600 मीटर एक्सीलेंट, जिनका तेरा बाप और बाबू सोना दोनों फैन है। और ये भाई उनके लिए है जो ये कहते हैं कि ना कि संगत का असर होता है, उसके लिए सुनिएगा। जो बालक कदे इश्क के चक्कर में पड़ के नशा करे थे, आज वे बालक मैंने ठाट की जिंदगी जींदे देखे हैं। जो लोग कहा करे थे कि इश्क के घाव कदे ना भरते, आज उन्हीं जख्माने लोग मैंने सिंदे देखे हैं। और कोई किसी के बालक ने नहीं बिगाड़ सकता ताई, मैंने दारू की महफिल में बैठ के बालक ठंडा पींदे देखे हैं। ये भाई एक गजल है कि प्यार क्या है। मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ कि प्यार क्या है। प्यार वो नहीं जो तुम्हें हमेशा हंसाता रहे, कि प्यार वो नहीं जो तुम्हें हमेशा हंसाता रहे, प्यार वो है जो कभी रोने ना दे। प्यार वो नहीं जो हमेशा साथ रहे, प्यार वो नहीं जो हमेशा साथ रहे, प्यार वो है जो भीड़ में अकेला खोने ना दे। प्यार वो नहीं जो जल्दी सोने को बोले, कि प्यार वो नहीं जो जल्दी सोने को बोले,
प्यार वो है जो देर रात तक सोने ना दे, और प्यार वो नहीं जो हमेशा हंसाता रहे, सॉरी प्यार वो नहीं जो हमेशा रुलाता रहे, प्यार वो है जो पल को तक को भिगोने ना दे, और प्यार वो नहीं जो मुझे तुम्हारा बना दे, प्यार वो नहीं जो मुझे तुम्हारा बना दे, प्यार वो है जो तुम्हें किसी और का होने ना दे। अगर तुझे किसी और के साथ जाना है तो जा मेरी जान, कि अगर तुझे किसी और के साथ जाना है तो जा मेरी जान, तेरे बिना हम रह लेंगे जा कोई बात नहीं, शायद मेरी तकदीर ही खराब है जो किस्मत में तेरा साथ नहीं। और मेरी माँ को पूरे 9 महीने लगे थे मेरा दिल बनाने में, कि मेरी माँ को पूरे 9 महीने लगे थे मेरा दिल बनाने में, तू इसे 9 मिनट में तोड़ दे, इतनी तेरी औकात नहीं।